आइए बनाते हैं साथ में पोहा, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी भी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने जीरा और राई को अच्छे से थोड़ा सा मैंने भून लिया है, और ये भूनते ही मैंने इसमें बादाम डाल लिया है, और बादाम को हम अच्छे से फ्राई या फिर रोस्ट कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी। और अब देखिए हमारा जो बादाम है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम करी लीव्स डालेंगे। करी लीव्स डालने के बाद हम इसमें प्याज और बारीक कटा हुआ मिर्च डाल देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ गाजर मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च और भी कोई सब्जी ऐड कर सकते हो, मैंने बस गाजर ही ऐड किया है। और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ ही में जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। और अब इसमें जो पोहा है उसको हम इस तरीके से धोकर अच्छे से फूलने के लिए रख दिए थे 10 मिनट पहले ही, और अब हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा मसाला में ऐड हो चुका है हमारा, ये मसाला में मिल चुका है पोहा। अब हम इसमें आधा नींबू अच्छे से गार लेंगे, नींबू का रस, और साथ ही साथ इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। नींबू का रस डालने से ये और भी टेस्टी लगता है खाने में। और साथ ही साथ अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल देंगे, आप चाहे तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। उसके बाद इसे ठंडा या फिर ऐसे गरम गरम ही इसको हम सर्व कर लेंगे, और ये सच में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो खाइए पीजिए इंजॉय कीजिए।